वर्तमान में रतलाम जिले में धारा 144 लागू है, जो इसी तारतम्य में गांव दंतोड़िया के वीरेन पाटीदार ने हर्ष फायर करते हुए अपने पिता की बंदूक के बंदूक अपने पिता की लाइसेंस से बंदूक से हर्ष फायर कर एक वीडियो वायरल किया था, जो वीडियो वायरल करने पर गांव के ही ईश्वरलाल पाटीदार द्वारा लेखे आवेदन प्रस्तुत करने पर उसके खिलाफ धारा 188 IPC और 30 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर वियतनाम लिया गया और वियतनाम के दौरान उसे छोड़ा गया। सर कितने लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ है? दो पे हुआ है, एक स्वयं उसके वीरेन पाटीदार पे और उसके पिता ईश्वरलाल पाटीदार। बंदूक किसके नाम पर थी? बंदूक ईश्वरलाल जी के नाम पर, ईश्वरलाल पाटीदार के नाम पर।